इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोविड 19 की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजकर तेजी से सैंपलिंग की जा रही है, जिससे अगर कोई नागरिक संक्रमित पाया जाता है तो उसे तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। इसी क्रम में स्वास्थ्य अमले द्वारा ग्राम बोरिया में 50 ग्रामीणों की सैंपलिंग की गई। एमपी स्टूडेंट यूनियन छात्र संगठन ने साइंस कॉलेज में 31 जनवरी को होने वाली ऑफलाइन परीक्षा का विरोध करते हुए कोविड 19 की तीसरी लहर का हवाला देते हुए प्राचार्य को परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जहां एमपी स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अभिषेक पांडे ने बताया कि 31 जनवरी से साइंस कॉलेज में छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा होने जा रही है, जिसको लेकर छात्रों में विरोध करते हुए कोरोना की तीसरी लहर का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर परीक्षा नियंत्रक बोर्ड और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। जहां प्राचार्य ने इस संबंध में छात्रों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही बैठक करते हुए छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में 21 तारीख से छात्रों की परीक्षाओं को ऑफलाइन रूप से आयोजित किया जा रहा था, जिसको लेकर छात्रों ने अपना बात रखी है कि पीक लेयर के दौरान एग्जाम्स को पूर्ण रूप से नहीं आयोजित किया जाए और छात्रों के पास विकल्प रखा जाए कि बाद में भी परीक्षाओं में उपस्थिति दर्ज करा के वो परीक्षा दे सकें। इसको लेकर आज परीक्षा नियंत्रक एवं प्राचार्य महोदय ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही बैठक आयोजित करते हुए छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। गवापुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले युवक बद्री प्रसाद ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जहां मकान मालिक ने किराएदार बद्री को फंदे पर झूलता हुआ देख तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। कोविड 19 की तीसरी लहर की दस्तक के बाद एक बार फिर बाजारों में मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। जिस तरह से कोविड 19 के मामलों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए नागरिक मास्क और सैनिटाइजर खरीदने दुकानों में जा रहे हैं। जहां मास्क खरीदने आए व्यक्ति ने बताया कि जिस प्रकार तीसरी लहर का प्रकोप चल रहा है, जिसको देखते हुए कोविड 19 से बचाव को लेकर अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, सभी की सुरक्षा को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर खरीदे जा रहे हैं। तो मैं मास्क लेने आया था और अपना परिवार को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। आधारताल थाना अंतर्गत एक नाबालिग युवती की मासूमियत का फायदा उठाकर एक युवक ने पहले तो उसके साथ दोस्ती की, फिर प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का वादा किया और अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग ने इसकी जानकारी रोते हुए पुलिसकर्मियों को बताई, जिसके बाद आधारताल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। राजेंद्र राजभर, पिता राम सेवक राजभर, उम्र 40 वर्ष, निवासी ज्ञानगंगा महाराजपुर बावली के रहने वाले ने थाना आधारताल में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग लड़की को पूर्व में अमित बोटिया नाम का आरोपी भगा कर ले गया था। पुनः 11 तारीख को पुनः फिर भगा कर ले गया, जो जिसकी रिपोर्ट पर धारा 363, 366, 342, 376, 506 और 3-4 पास्को एक्ट का प्रकरण कायम किया गया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। सैकड़ों की संख्या में सिविक सेंटर स्थित भारत माता चौक पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फिर अपना विरोध दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। जबलपुर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अयू ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक ओर शिवराज डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस जैसी जरूरतमंद चीजों के दाम बढ़ाकर आम जनता का जीना दूभर कर रही है, वहीं दूसरी ओर अपनी नई आबकारी नीति के तहत शराब के दामों में कमी कर प्रदेश के युवाओं को शराब के नशे में धकेलने का प्रयास कर रही है। नीचे कर दो ये एक नई शराब नीति मध्य प्रदेश में लागू की है, जिसमें दाम शराब के घटाकर घर घर शराब पहुंचाने का काम चालू करने वाले हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ यह शराब के दाम कम करके हमारे युवाओं को शराब की आदत डलवाना चाहते हैं। ये
बेटियों की बात करते हैं, मातृशक्ति की बात करते हैं और उनको शराब के दाम कम होने से, घर घर शराब पहुंचने से उनकी प्रताड़ना बढ़ेगी कि घटेगी? ये भारतीय जनता पार्टी दो मुंह की बात करने वाली सरकार है। ये जब चुनाव में आते हैं तो शराबबंदी की बात करते हैं और आज हर चीज़ महंगी करके शराब को सस्ता बेचने की बात करते हैं। ऐसी सरकार की इस नीति के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। निवेश पर अधिक ब्याज का लालच देकर जालसाज ने जबलपुर के कई लोगों से 15 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ितों की शिकायत पर लाडगंज पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाडगंज पुलिस के मुताबिक सर्वोदय नगर रानीताल निवासी एस रामाराव केवट ने शिकायत कर बताया कि कोयरी नायडू ने उसे पल्स इंडिया कंपनी में पैसे जमा करने के लिए बोला था। बताया था कि इस कंपनी में ब्याज अच्छा मिलता है। माना करने पर बोला कि उसके पैसे नहीं फंसेंगे। आश्वस्त किया था कि कंपनी पैसा नहीं देगी तो वह लौटा देगा। वह उसकी बातों में आ गया। ये उजारपुरा के कुछ निवासी हैं जिसमें हमारे फरियादी रामा राव हैं, उनके साथ के लोग हैं, ये मजदूर वर्ग के लोग हैं। इनसे पैसा कलेक्ट करके रामा राव के द्वारा एक PSL कंपनी के उसमें इन्वेस्ट किया गया था। वो चिटफंड की कंपनी थी और वो कंपनी अब बाइंड अप हो चुकी है, यहाँ से चली गई है, उसका कोई अता पता भी नहीं चल रहा है। रामा राव के विरुद्ध ये शिकायत आई थी कि ये पैसा लेते थे और लोगों से इकट्ठा करते थे, जो रामा राव के विरुद्ध हमने 420 और 409 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।